शांति। आज बाबा की 14 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, तुम अभी सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो, यह सत्संग भी है। यहाँ तुम्हें सत्य बात का संग मिला है जो पार लगा देता है। प्रश्न हिसाब किताब के खेल में मनुष्यों की समझ और तुम्हारी समझ में कौन सा अंतर है? उत्तर, मनुष्य समझते हैं यह जो दुख सुख का खेल चलता है, यह दुख सुख सब परमात्मा ही देते हैं। और तुम बच्चे समझते हो कि हर एक के कर्मों के हिसाब का खेल है। बाप किसी को भी दुख नहीं देते, वह तो आते ही हैं सुख का रास्ता बताने। बाबा कहते हैं, बच्चे मैंने किसी को भी दुखी नहीं किया है, यह तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले जाए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। किसको पुकारते हैं? बाप को। बाबा आकर इस पाप की कलयुगी दुनिया से सतयुगी पुण्य की दुनिया में ले चलो। अभी जीव आत्माएं सब कलयुगी हैं, उन्हों की बुद्धि ऊपर जाती है। बाबा कहते, मैं जो हूँ जैसा हूँ ऐसा कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि भी कहते, हम रचयिता मालिक अर्थात बेहद के बाप और उनकी बेहद की रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। आत्माएं जहाँ रहती हैं वह है ब्रह्म महातत्व, जहाँ सूर्य चांद नहीं होते, ना मूल वतन ना सूक्ष्म वतन में। बाकी इस मांडवे में तो बिजलियाँ आदि सब चाहिए ना, तो इस मांडवे को बिजली मिलती है। रात को चांद सितारे, दिन में सूर्य, यह है बत्तियाँ। इन बत्तियों के होते हुए भी अंधियारा कहाँ जाता है। रात को तो फिर भी बत्ती जलानी पड़ती है। सतयुग त्रेता को कहा जाता है दिन और भक्ति मार्ग को कहा जाता है रात, यह भी समझ की बात है। नई दुनिया सो फिर पुरानी जरूर बनेगी, फिर नई होंगी तो पुरानी का जरूर विनाश होगा। यह है बेहद की दुनिया। मकान भी कोई बहुत बड़े बड़े होते हैं राजाओं आदि के, यह है बेहद का घर। मांडवा अथवा स्टेज, इनको कर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। कर्म तो जरूर करना होता है सब मनुष्यों के लिए, यह कर्म क्षेत्र है। सबको कर्म करना ही है, पार्ट बजाना ही है। पार्ट हर एक आत्मा को पहले से मिला हुआ है। तुम्हारे में भी कोई है जो इन बातों को अच्छी रीति समझ सकते हैं? वास्तव में यह गीता पाठशाला है। पाठशाला में कभी बूढ़े आदि नहीं पढ़ते, यहाँ तो बूढ़े जवान आदि सब पढ़ते हैं। वेदों की पाठशाला नहीं कहेंगे, वहाँ कोई भी एम ऑब्जेक्ट होती नहीं। हम इतने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, इनसे क्या बनेंगे वह जानते नहीं। कोई भी जो सत्संग है, एम ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है। अब तो उनको सत्संग कहने में लज्जा आती है। सत तो एक बाप ही है, जिनके लिए कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। कुसंग कलयुगी मनुष्यों का, सत का संग तो एक ही है। अभी तुमको वंडर लगता है, सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे बाप देते हैं। तुमको तो खुशी होनी चाहिए, तुम सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो। बाकी सब हैं झूठी पाठशालाएं, उन सत्संगों आदि से कुछ भी बनकर निकलती नहीं। स्कूल कॉलेज आदि से फिर भी कुछ बनकर निकलते हैं, क्योंकि पढ़ते हैं। बाकी कहाँ भी पढ़ाई नहीं है, सत्संग को पढ़ाई नहीं कहेंगे। शास्त्र आदि तो पढ़कर फिर दुकान खोल बैठते हैं, पैसा कमाते हैं। ग्रंथ थोड़ा सीख कर गुरुद्वारा खोल बैठ जाते हैं। गुरुद्वारे भी कितने खोलते हैं, गुरु का द्वार अर्थात घर कहेंगे ना, फाटक खुलता है, वहाँ जाकर शास्त्र आदि पढ़ते हैं। तुम्हारा गुरुद्वारा है मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम। सतगुरुद्वार, सतगुरु का नाम क्या है? अकाल मूर्त। सतगुरु को अकाल मूर्त कहते हैं। वह आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का द्वार खोलते हैं। अकाल मूर्त है ना, जिसको काल भी खा नहीं सकता। आत्मा है ही बिंदी,
उनको काल कैसे खाएगा। वह आत्मा तो शरीर छोड़कर भाग जाती। मनुष्य समझते थोड़े ही हैं कि एक पुराना शरीर छोड़ फिर जाए दूसरा लेंगी, फिर इसमें रोने की क्या दरकार है। यह तुम जानते हो, ड्रामा अनादि बना हुआ है, हर एक को पार्ट बजाना ही है। बाप ने समझाया है, सतयुग में है नष्ट मोह, मोह जीत की भी कहानी है ना। पंडित लोग सुनाते हैं, माताएं भी सुन सुन कर फिर ग्रंथ रख बैठ जाती हैं सुनाने के लिए। बहुत मनुष्य जाकर सुनते हैं, उनको कहा जाता है कनरस। ड्रामा प्लान अनुसार मनुष्य तो कहेंगे हमारा दोष क्या है। बाप कहते हैं तुम हमको बुलाते हो कि दुख की दुनिया से ले जाओ, अब मैं आया हूँ तो मेरा सुनना चाहिए ना। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, अच्छी मत मिलती है तो वह लेनी चाहिए ना, तुम्हारा भी कोई दोष नहीं है। यह भी ड्रामा था, राम राज्य रावण राज्य का खेल बना हुआ है। खेल में कोई हार जाते हैं तो उनका दोष थोड़े ही है, जीत और हार होती है इसमें, लड़ाई की बात नहीं। तुमको बादशाही थी, यह भी तुमको मालूम नहीं था। अभी तुम समझते हो जो सर्विसेबल हैं, जिसका नाम बाला है, दिल्ली में सबसे नामी ग्रामी समझाने वाला कौन है, तो झट नाम लेंगे जगदीश का। तुम्हारे लिए मैगजीन भी निकालते हैं, उसमें सब कुछ आ जाता है, अनेक प्रकार के पॉइंट्स लिखते हैं, ब्रजमोहन भी लिखते हैं। लिखना कोई मासी का घर थोड़े ही है, जरूर विचार सागर मंथन करते हैं, अच्छी सर्विस करते हैं, कितने लोग पढ़कर खुश होते हैं, बच्चों को भी रिफ्रेशमेंट मिलती है। कोई कोई प्रदर्शनी में बहुत माथा मारते हैं, कोई कोई कर्म बंधन में फंसे हुए हैं, इसलिए उतना उठा नहीं सकते। यह भी कहेंगे ड्रामा, अबलाओं पर भी अत्याचार होने का ड्रामा में पार्ट, ऐसा पार्ट क्यों बजाया, यह प्रश्न ही नहीं उठता। यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, उनको कुछ कर थोड़े ही सकते हैं। कोई कहते हैं हमने गुनाह क्या किया जो ऐसा पार्ट रखा है। अब गुनाह की तो बात नहीं, यह तो पार्ट है। अब लाएं कोई तो निमित्त बनेंगी जिन पर सितम होंगे, ऐसे तो फिर सब कहेंगे हमको यह पार्ट क्यों। नहीं, यह बना बनाया ड्रामा है, पुरुषों पर भी अत्याचार होते हैं, इन बातों में सहनशीलता कितनी रखनी पड़ती है, बहुत सहनशीलता चाहिए। माया के विघ्न तो बहुत पड़ेंगे, विश्व की बादशाही लेते हो तो कुछ मेहनत करनी पड़े। ड्रामा में आपदाएं खिटपिट आदि कितनी हैं, अबलाओं पर अत्याचार लिखा हुआ है, रक्त की नदियां भी बहेंगी, कहां भी सेफ्टी नहीं रहेगी। अभी तो सुबह को क्लास आदि में जाते हो सेंटर्स पर, वह भी समय आएगा जो तुम बाहर निकल भी नहीं सकेंगे। दिन प्रतिदिन जमाना बिगड़ता जाता है और बिगड़ना है, दुख के दिन बहुत जोर से आएंगे। बीमारी आदि में दुख होता है तो फिर भगवान को याद करते पुकारते हैं। अभी तुमको मालूम है, बाकी थोड़े दिन हैं, फिर हम अपने शांति धाम सुख धाम जरूर जाएंगे। दुनिया को तो यह भी पता नहीं है, अभी तुम बच्चे फील करते हो ना, अभी बाप को पूरा रीति जान गए हैं। वह सब तो समझते हैं, परमात्मा लिंग है, शिवलिंग की पूजा भी करते हैं। तुम शिव के मंदिर में जाते थे, कभी यह ख्याल किया कि शिवलिंग क्या चीज है। जरूर यह जड़ है तो चैतन्य भी होगा, यह तब क्या है, भगवान तो रचता है ऊपर में, उनकी निशानी है सिर्फ पूजा के लिए। पूज्य होंगे तो फिर यह चीज़ें नहीं होंगी। शिव काशी के मंदिर में जाते हैं, किसको पता थोड़े ही है भगवान निराकार है, हम भी उनके बच्चे हैं। बाप के बच्चे होकर फिर हम दुखी क्यों हैं, विचार करने की बात है ना। आत्मा कहती है हम परमात्मा की संतान हैं,
फिर हम दुखी क्यों हैं? बाप तो है ही सुख देने वाला, बुलाते भी हैं हे भगवान हमारे दुख मिटाओ। वह कैसे मिटाएं दुख सुख, यह तो अपने कर्मों का हिसाब है। मनुष्य समझते हैं सुख का एवजा सुख और दुख का एवजा दुख परमात्मा ही देते हैं, उन पर रख देते हैं। बाप कहते हैं मैं कभी दुख नहीं देता हूँ, मैं तो आधा कल्प के लिए सुख देकर जाता हूँ। यह फिर सुख और दुख का खेल है। सिर्फ सुख का ही खेल होता फिर तो यह भक्ति आदि कुछ न हो। भगवान से मिलने के लिए भी यह भक्ति आदि सब करते हैं। अब बाप बैठ सारा समाचार सुनाते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे कितने भाग्यशाली हो, उन ऋषि मुनियों आदि का कितना नाम है। तुम हो राज ऋषि, वह है हठ योग ऋषि, ऋषि अर्थात पवित्र। तुम स्वर्ग के राजा बनते हो तो पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। सतयुग त्रेता में जिनका राज्य था उनका ही फिर होगा, बाकी सब पीछे आएंगे। तुम अभी कहते हो हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं, पुरानी दुनिया का विनाश होने में भी समय तो लगेगा ना। सतयुग आना है, कलयुग जाना है। कितनी बड़ी दुनिया है, एक एक शहर मनुष्यों से कितना भरा हुआ है। धनवान आदमी दुनिया का चक्र लगाते हैं परंतु यहाँ सारी दुनिया को कोई देख ना सके। हाँ सतयुग में देख सकते हैं क्योंकि सतयुग में है ही एक राज्य, इतने थोड़े राजाएं होंगे। यहाँ तो देखो कितनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया का चक्र कौन लगाए। वहाँ तुमको समुद्र में जाने का नहीं है, वहाँ सिलोन वर्मा आदि होंगे नहीं, कुछ भी नहीं है, कराची नहीं होंगी। तुम सब मीठी नदियों के किनारे पर रहते हो, खेती बाड़ी आदि सब होती है, सृष्टि तो बड़ी है। मनुष्य बहुत थोड़े रहते हैं फिर पीछे वृद्धि होती है। फिर वहाँ जाकर अपना राज्य स्थापन किया, धीरे धीरे हब करते गए, अपना राज्य स्थापन किया। अभी तो सबको छोड़ना पड़ता है, एक भारत ही है जिसने किसी का भी राज्य छीना नहीं है, क्योंकि भारत असल में अहिंसक है ना। भारत ही सारी दुनिया का मालिक था और सब पीछे आए हैं जो टुकड़े टुकड़े लेते गए। तुमने कोई को हप नहीं किया है, अंग्रेजों ने हप कर लिया है। तुम भारतवासियों को तो बाप विश्व का मालिक बनाते, तुम कहाँ गए थोड़े ही हो। तुम बच्चों की बुद्धि में यह सारी बातें हैं, बूढ़ी माताएं तो इतना सब समझ ना सके। बाप कहते हैं अच्छा अच्छा है, जो तुम कुछ भी पढ़े नहीं हो, पढ़ा हुआ सब बुद्धि से निकालना पड़ता है। एक बात सिर्फ धारण करनी है, मीठे बच्चे बाप को याद करो। तुम कहते भी थे बाबा आप आएंगे तो हमारी जाएंगे कुर्बान जाएंगे, तुम्हें फिर हमारे पर कुर्बान जाना है। लेन देन होती है ना, शादी के टाइम स्त्री पुरुष एक दो के हाथ में नमक देते हैं। बाप को भी कहते हैं हम पुराना सब कुछ आपको देते हैं, मरना तो है या सब खत्म होना है, आप हमको फिर नई दुनिया में देना। बाप आते ही हैं सबको ले जाने, काल है ना, सिंध में कहते थे यह कौन सा काल है जो सबको भगा कर ले जाते हैं। तुम बच्चे तो खुश होते हो, बाप आते ही हैं ले जाने, हम तो खुशी से अपने घर जाएंगे, सहन भी करना पड़ता है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े घर की माताएं मारे खाती हैं। तुम सच्ची कमाई करते हो, मनुष्य थोड़े ही जानते हैं। वह हैं कलयुगी शूद्र संप्रदाय, तुम हो संगम योगी पुरुषोत्तम बन रहे हो। जानते हो पहले नंबर में पुरुषोत्तम या लक्ष्मी नारायण है ना, फिर डिग्री कम होती जाएगी, ऊपर से नीचे आते रहेंगे, फिर आहिस्ते आहिस्ते गिरते रहेंगे। इस समय सब गिर चुके हैं, झाड़ पुराना हो चुका है, तना सड़ गया है, अब फिर स्थापना होनी है। फाउंडेशन लगता है ना, कलम कितना छोटा होता है फिर उनसे कितना बड़ा झाड़ बढ़ जाता है। यह भी झाड़ है, सतयुग में बहुत छोटा झाड़ होता है, अब कितना बड़ा झाड़ है। वैरायटी फूल कितने हैं मनुष्य सृष्टि के,
एक ही झाड़ में कितनी वैरायटी है, अनेक वैरायटी धर्मों का झाड़ है मनुष्यों का। एक सूरत ना मिले दूसरे से, बना बनाया ड्रामा है ना, एक जैसा पार्ट कोई का हो नहीं सकता। इनको कहा जाता है कुदरती बना बनाया बेहद का ड्रामा, इसमें भी बनावट बहुत है। जो चीज़ रियल होती है वह ख़त्म भी होती है, फिर 5000 वर्ष के बाद रियलिटी में आएंगे। चित्र आदि भी कोई रियल बने हुए थोड़े ही हैं, ब्रह्मा की भी शक्ल फिर 5000 वर्ष बाद तुम देखेंगे। इस ड्रामा के राज को समझने में बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए, और कुछ ना समझो, सिर्फ एक बात बुद्धि में रखो, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। या आत्मा ने कहा, बाबा हम आपको ही याद करेंगे, या तो सहज है ना, हाथों से कर्म करते रहो और बुद्धि से बाप को याद करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, सहनशीलता का गुण धारण कर माया के विघ्नों में पास होना है। अनेक आपदाएं आएंगी, अत्याचार होंगे, ऐसे समय पर सहन करते बाप की याद में रहना है, सच्ची कमाई करनी। दूसरा, विशाल बुद्धि बन इस बने बनाए ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। यह कुदरती ड्रामा बना हुआ है, इसलिए प्रश्न उठ नहीं सकता। बाप जो अच्छी मत देते हैं उस पर चलते रहना है, वरदान है। बाप समान वरदानी बन हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम हो। जो बाप समान वरदानी मूर्ख बच्चे हैं, वह कभी किसी की कमजोरी को नहीं देखते, वह सबके ऊपर रहमदिल होते हैं। जैसे बाप किसी की कमजोरियां दिल पर नहीं रखते, ऐसे वरदानी बच्चे भी किसी की कमजोरी दिल में धारण नहीं करते, वे हरेक की दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम होते हैं। इसलिए साथी हो या प्रजा, सभी उनका गुणगान करते हैं, सभी के अंदर से यही आशीर्वाद निकलती है कि यह हमारे सदा स्नेही सहयोगी हैं। स्लोगन, संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वह है जो सदा बेफिक्र बादशाह है। तो आज का स्वमान है, मैं मास्टर दिलाराम आत्मा हूँ, मैं बेफिक्र बादशाह आत्मा हूँ। ओम शांति।